वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कवर किया जाएगा एमएस एक्सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ ऑफ बेस्ड। इस सेशन के अंतर्गत 25 प्लस क्वेश्चन होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये सेशन सभी एग्जाम के लिए बेस्ड है जिनमें कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हों। पहला क्वेश्चन समझते हैं, एक्सेल किस टाइप का प्रोग्राम है पूछा जाता है। ख्याल रखिएगा एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेड शीट का मतलब होता है जिसमें कॉलम और इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, यानी वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। बात समझ रही है? तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है टेबल। ठीक है, टेबल के फॉर्मेट को बोला जाता है स्प्रेड शीट, जिसमें कैलकुलेशन किया जा सके। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। जो वर्कशीट होता है, वर्कशीट क्या होता है समझ लीजिएगा, एक्सेल का जो फाइल होता है वर्कबुक कहलाता है। वर्कबुक के अंतर्गत होता है वर्कशीट। ठीक है, तो वर्कशीट बना होता है रो और कॉलम से। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एमएस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ एमएस वर्ड। देखिए ख्याल रखिएगा एमएस एक्सेल जो है पार्ट है एमएस ऑफिस का। ठीक है, ये पार्ट है एमएस ऑफिस का, एमएस वर्ड का नहीं, क्योंकि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक एक्सप्रेस। बात समझ रही है? मतलब ये कहने का है कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत ये सारे पार्ट आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अ फॉर्मूला बार शो नेम ऑफ द एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास होता है कॉलम और रो। ठीक है, और आप सब जानते हैं जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो यहाँ पे होता है हेडिंग, यानी लिखा होता है ए बी सी। ठीक है, यहाँ लिखा होता है 1 2 3। अब जब हम इसमें काम करते हैं, यहाँ पर इस लोकेशन में अगर काम करेंगे तो ये कहलाएगा बी टू का एड्रेस। ओके, तो बी टू का एड्रेस शो करेगा नेम बॉक्स में। फार्मूला बार में क्या शो करेगा, अगर यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इसके जस्ट हेडिंग के ऊपर होता है फार्मूला बार। ओके, और यहाँ होता है नेम बॉक्स। हम जिस भी ब्लॉक में होते हैं, जैसे हम अगर फिलहाल अगर हम अभी B2 वाले ब्लॉक में है, मतलब B वाला कॉलम और 2 वाला रो, इस ब्लॉक में तो यहाँ बताएगा कि इस वक्त आप हैं B2 में। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ काम करेंगे, कुछ लिखिए नंबर वगैरह, तो नंबर वगैरह यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो पूछा गया है और फार्मूला बार शो नेम ऑफ द एक्टिव सेल। तो फार्मूला बार में नंबर शो करेगा, एक्टिव सेल किसमें शो करेगा, नेम बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऑर्डर ऑफ वर्कशीट इज अ वर्कबुक कैन बी चेंज। मतलब जैसे देखो, समझो आप ध्यान से कि हमारे पास होता क्या है, ये मान लो एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल में डिफॉल्ट 3 शीट होते हैं, यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3। इस शीट को हम बढ़ा भी सकते हैं सेटिंग से, या यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू, न्यू पे क्लिक कर देंगे, या शिफ्ट F3 प्रेस कर देंगे तो शीट नया आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है क्या इसके ऑर्डर, मतलब जो वर्कशीट होता है शीट 1 शीट 2 शीट 3, क्या इसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, हाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वी कैन सेलेक्ट अ डेफिनेट एरिया ऑफ आवर वर्कशीट फॉर प्रिंटिंग। मतलब यदि आपको प्रिंट करना है तो क्या आप किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, क्योंकि एक्सेल में होता क्या है, ये मान लो हमारे पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि टोटल इसमें जो कॉलम होते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉलम। तो ए से होता है कॉलम XFD तक। ठीक है, और रो कितने होते हैं, यानी 1 से लेकर के लगभग 10,48,000 होते हैं लगभग। ठीक है, 10,48,576। ठीक है, टोटल होते हैं 10,48,576 होते हैं इसके कितने रो। ओके, तो हम इसके फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे काम कर लिया, यहाँ पे काम कर लिया, यहाँ पे काम कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो कमांड मिलता है हमें एक्सेल के प्रिंट ले सॉरी पेज लेआउट में मिलता है। ठीक है, पेज लेआउट में एक ऑप्शन होता है सेट एरिया, तो आप पेज लेआउट में क्लिक करते हैं। ठीक है, इस एरिया को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां पे कमांड होता है प्रिंट सेट एरिया, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये एरिया प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर इसका प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वहां पर एक्सेल का सेशन अलग से है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
सेल कैन बी लॉक्ड फॉर फॉर्मेटिंग, मतलब इसका ये है, यहाँ पे समझिएगा फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कि कलर, स्टाइल, इन सब कॉम्बिनेशन से फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल वाला फॉर्मेट नहीं है, ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सेल कैन बी लॉक फॉर फॉर्मेटिंग, मतलब इसका ये है कि किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए लॉक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऑटोफिल इज यूज टू फिल इन नेम ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास रिजल्ट। इसका मतलब ये है, मतलब इसका यही है कि पूछा गया कि किसी क्लास का रिजल्ट है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट के नाम अगर भरने हैं, ठीक है, तो क्या हम ऑटोफिल का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ख्याल रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऑटोफिल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हमें मैनुअली डेटा फीड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक इज, जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, ख्याल रखिएगा दो टाइप का फाइल नेम होता है, एक होता है प्राइमरी फाइल नेम, एक होता है सेकेंडरी। मतलब जैसे हम कोई नाम लिख के सेव करते हैं, आपने कोई काम किया, ठीक है, फाइल का नाम लिख के सेव करते हैं ना, इनवॉइस, तो उसके साथ लगा होता है डॉट डॉट xls, मतलब ये है एक्सेल का फॉर्मेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगर आपसे पूछा जाए 2003 के बारे में, मतलब 2003 वाले जितने भी हैं 100 फाइल एक्सेल के, वो इसमें x नहीं लगा हुआ है, मतलब इस कह सकते हैं डॉट xls। ठीक है, इस क्वेश्चन का पूरा मतलब समझ लीजिए ध्यान से। मैंने ये कहा कि एमएस ऑफिस है, इसका 2003 वर्जन है, 2007 वर्जन है, 7 के बाद है 10, 10 के बाद है 13, 13 के बाद है 16, और 16 के बाद है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ 19, मतलब 19 वर्जन। ठीक है, तो 2003 में जो एक्सटेंशन था वो था डॉट xls, और बाकी जितने भी एडवांस वाले वर्जन है, 7 है, चाहे 10 है, या 13, 16 या 19 है, इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है डॉट xls। ठीक है, x, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल द सेल हैव जनरल डेटा टाइप। देखो ध्यान से, अब जैसे हमारे पास ये हम टाइप करते हैं जब यहाँ पर ब्लॉक होते हैं कॉलम रो, ठीक है, और जब हम इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नंबर होम मेनू में। जब भी हम यहाँ पे कोई डेटा टाइप करेंगे तो ये फॉर्मेट पूरा होता है वो जनरल फॉर्मेट होता है। अगर किसी ब्लॉक को केवल नंबर फॉर्मेट करना है, ठीक है, तो आप इसको, इस ब्लॉक को सेलेक्ट करके आप नंबर फॉर्मेट करते हैं, तो उसमें जब भी कोई नंबर फिट करेंगे तो केवल नंबर आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि हम जब कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर 12 नंबर का भी होगा, 16 नंबर का भी होगा, तो हम जब 12 नंबर से अधिक डिजिट को यहाँ पे फिल करते हैं ना, तो वो अल्फाबेट में बन जाता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस ब्लॉक को हमें सेलेक्ट करके नंबर वाला ऑप्शन कमांड को हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, नंबर वाला कमांड हम सेलेक्ट करते हैं तो इस कंटेन में, इस ब्लॉक में जितने भी डेटा फिल करते हैं वो नंबर, मतलब एक्चुअल फॉर्मेट में फीड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रेसिंग डिलीट की इन अ सेल विल क्लियर ओनली द कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब इसका ये है कि जैसे आप एक्सेल पे काम हम करते हैं, अगर किसी ब्लॉक में हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया और चाहते हैं डेटा केवल डिलीट करना, तो आप अगर डिलीट बटन प्रेस भी करेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, केवल डेटा हटेगा, आपने कुछ लिखा होगा वो हट जाएगा, लेकिन जो उसमें आपने कलर फिट किया होगा, पीछे का बैकग्राउंड या फार्मूला अप्लाई किया होगा, वो फार्मूला रिमूव नहीं होगा। बस मानिए, अगर फार्मूला रिमूव करना है या कलर रिमूव करना है, तो आपको होम मेनू में जाके क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होता है, क्लियर ऑल, तो हम वहाँ पे क्लियर ऑल करते हैं तो पूरा जो भी इसमें मतलब कह सकते हैं कि सीट के अंतर्गत आपने फार्मूला कलर लगाया होगा वो सब रिमूव हो जाता है। ठीक है, होम मेनू के अंतर्गत होता है क्लियर ऑल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डिलीट ओनली कंटेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऑटोफिल इज यूज टू फिल इन नेम, ये हो गया क्वेश्चन, रिपीटिंग क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू इज प्रेजेंट इन सेल ग्रुप ऑफ होम टैब, मतलब जो ड्रॉप डाउन मेनू होता है, इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू होम मेनू के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कॉनकैटेनेटिक फार्मूला होता है, पूछा गया है कि क्या ये दो टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है, मतलब इसका ये कहने का है
कि हम जब काम करते हैं हमारे पास ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है। जब हम काम करेंगे तो जैसे यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है और डेटा यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि ये दोनों डेटा यहाँ पे कंप्लीट आ जाए, तो आप यूज करते हैं कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला। मतलब दो या दो से अधिक वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एक वर्ड के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, आप क्वांटिटी यहाँ लिख दीजिए, आइटम मतलब क्वांटिटी आपने लिखा 10, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा 10 पीसेस, ओके क्वांटिटी लिख दिया, आइटम लिख दिया कीबोर्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब हम कॉन्कैटेनेट फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू करके, ठीक है, तो ये चीज दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 10 पीसेस कीबोर्ड लिख करके टोटल यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ रही है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। इसका काम होता है वर्ड्स को ज्वाइन करना, ठीक है, दो या दो से अधिक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अ फॉर्मूला इज इन एक्सेल बिगिन विद, देखिए एक्सेल में जो फॉर्मूला शुरू होता है वो इक्वल से शुरू होता है, ये ट्रू है। ख्याल रखिएगा अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, इक्वल से करिए, या कोई नॉर्मल से कैलकुलेशन भी करना है ना तो आप प्लस ऑपरेटर लगा दीजिए या माइनस ऑपरेटर लगा करके भी आप काम कर सकते हैं। मतलब ये जो आप लगाएंगे आगे ऑपरेटर, ठीक है, लेकिन जो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको ट्रू इसको टिक करेंगे, मतलब कि कोई भी फॉर्मूला इक्वल के साथ शुरू होता है। लेकिन जब एक्सेल में काम करेंगे तो बिना इक्वल के भी आप काम कर सकते हैं, मतलब किसी भी फार्मूले के आगे प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, फिर अपना डिवाइड कर लीजिए। हमने लिखा 2 प्लस 2, इसे क्या हुआ, इसको काउंट कर देगा। ओके क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं, ठीक है, और हमने कुछ लिखा यहाँ पे, ये ब्लॉक हमारे पास है, अब टेबल ही बना रहे हैं तो हम लिखा 1। अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं ना, तो क्या करता है ये, कॉपी करता है। बात समझ रही है? मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है वही यहाँ पे क्या करता है, प्रिंट करता है, प्रिंट करना ही शुरू कर देता है। तो पूछा कि वाइल्ड ड्रैगिंग, ड्रैग मतलब खींचना सेल में, प्रेसिंग कंट्रोल, कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करेंगे वे विल कॉपी द डेटा इंस्टेड ऑफ मूविंग इट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मतलब क्या करते हैं, जब हम किसी भी ब्लॉक को सेलेक्ट करके कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो डेटा को क्या करता है, कॉपी करता है, सॉरी यहाँ पे कॉपी है। ओके इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वी कैन नॉट यूज एक्सेल फंक्शन टू मैनिपुलेट टेक्स्ट डेटा, इसका मतलब यह है कि क्या हम एक्सेल का जब यूज करते हैं फंक्शन का, तो क्या हम डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मतलब डेटा पे काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैन नॉट है, नॉट ऑप्शन है ना, हम डेटा का यूज कर सकते हैं ना अपने, अच्छा, जैसा भी हमें काम करना होगा हम काम कर सकते हैं। मतलब एक्सेल फंक्शन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट फार्मूले के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है, टेक्स्ट फार्मूला में जैसे आता है लेन फार्मूला नाम है, ठीक है, एक फार्मूले का नाम है डॉलर फार्मूले का नाम है, अपर फार्मूला है, लोअर फार्मूला है, ठीक है, लोअर फार्मूला हो जाएगा, एग्जैक्ट फार्मूला है, टेक्स्ट फार्मूला है, ये इस अंतर्गत होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। व्हेन वी इंसर्ट कॉलम इन वर्कबुक, वर्कशीट ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा इज डिलीटेड, मतलब इसका ये है कि जब हम वर्कशीट में काम करते हैं और नया कॉलम अगर कुछ इंसर्ट करना है तो क्या हमारा जो पुराना डेटा होता है डिलीट हो जाता है, नहीं। जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कॉलम है, रो है, हमने यहाँ पे काम कर लिया और यहाँ पे काम कर लिया, यहाँ भी काम कर लिया, ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट था कि यहीं पे एक और ब्लॉक चाहिए, तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस बॉक्स में, ठीक है, क्लिक करके इंसर्ट करेंगे कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, ठीक है, कॉलम आ जाएगा तो कोई डेटा डिलीट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एमएस एक्सेल ऑफ एमएस ऑफिस इज मेनली यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस, मतलब जो एक्सेल होता है एमएस ऑफिस का पार्ट होता है, ठीक है, तो पूछा गया है क्या इसका मुख्यतः तो यूज अकाउंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि जो एक्सेल होता है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, कैलकुलेशन का काम किया जाता है इसमें, जैसे बजट बनाना हो, टैक्स इनवाइस बनाना हो, टीडीएस रिपोर्ट बनाना हो, या अटेंडेंस रजिस्टर बनाना हो, या आपको किसी टाइप का कैलकुलेटर बनाना हो, या कोई प्रोग्राम का ये एक सॉफ्टवेयर बनाना हो विजुअल बेसिक के हेल्प से, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलरी मैनेजमेंट है, पेरोल मैनेजमेंट है, ये सारे काम इससे किए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला हेल्प टू फाइंड डे ऑफ एनी डेट,
मतलब पूछा गया कि टिक्स फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं तो इसे क्या हम किसी डेट से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ ख्याल रखिएगा कोई एक डेट लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लगा करके हम यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट। ओके टेक्स्ट लिख करके हम लिखते हैं ब्रैकेट। अब ये जिस ब्लॉक में, जैसे मान लीजिए ये है A1 ब्लॉक में, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं A1, कॉमा लगाते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी डेट, मान लीजिए आज का डेट है 22 जनवरी, ठीक है, जो दिन होगा वो प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा A1 और डबल कोट करके आपको लिखना होता है DDD। DDD लिख करके डबल कोट क्लोज करते हैं, इंटर करके ब्रैकेट का ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी दिन होगा आज का यहाँ पे इस बॉक्स में दिखाई देगा, बस मेरी इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अ फंक्शन आर्गुमेंट इज द वैल्यू गिवेन इन अ फंक्शन टू वर्क अपॉन। इसका मतलब ये है फंक्शन आर्गुमेंट वह मान होता है जो फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इफ फॉर्मूला इज अ लॉजिकल फॉर्मूला, लॉजिकल फंक्शन, इसका आंसर होगा ट्रू। मतलब इसका ये देखो, इफ से क्या होता है, कंडीशन होता है ना। इफ फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल में मार्कशीट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, या कोई भी डेटा का कैलकुलेशन करना हो तो हम कंडीशन वाले जितने भी डेटा होंगे हम इफ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल फार्मूले के अंतर्गत आता है एंड फार्मूला, ठीक है, एंड फार्मूला आता है, और फार्मूला होता है, एक्सोर फार्मूला होता है, नॉट फार्मूला इसके अंतर्गत आता है, ओके, इफ एरर भी इसी के अंतर्गत आता है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रेसिंग कीबोर्ड बटन F2 सेल बॉक्स एक्टिव, कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास एक्सेल है, ये हमारे पास कॉलम और रो है, ठीक है, जब हम यहाँ पे कोई काम कर लेते हैं अब, और हमने इस बॉक्स कहीं और हमने क्लिक कर लिया, दोबारा जब इस पे काम करना होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करिएगा और कोई भी बटन प्रेस करिएगा तो जो पहले का डेटा होता है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो डबल क्लिक करते हैं इस बॉक्स में, डबल क्लिक करेंगे, या इस बॉक्स को क्लिक करके प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F2, एक्टिव हो जाएगा, यानी कर्सर यहाँ पर दिखाई देगा। आप क्या कर सकते हैं, बैक स्लैश करके कुछ मॉडिफाई करनी है, ठीक है, कुछ और लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब इस ये जो सेल बॉक्स होगा वो एक्टिव हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछा गया कि द सेल रेंज नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ समझिए ध्यान से, जैसे हमारे पास ये एक्सेल है, ठीक है, या मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके माइंड में कुछ हद तक सेव हो जाए, जब एग्जाम आप दीजिए तो उस एग्जाम में शायद क्लिक कर जाए। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर जब हम मान लीजिए हमारे पास ये ब्लॉक है, ए है, बी है, सी है, 1 2 3, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग हेडिंग, यानी कॉलम वाला, ये रो वाला। तो अब जब यहाँ पे कोई ब्लॉक, जैसे हम लिखा है कोई नंबर 2 और यहाँ 5 लिखा है, अब इसको हमें एक फार्मूला लगा के हमें कैलकुलेट करना है, तो होता क्या है कि ये जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा A1 और B5, ठीक है, तो इसमें एक चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एमएस एक्सेल ऑफ एमएस ऑफिस, मतलब मेल यूज अकाउंटिंग पर्पस, ये क्वेश्चन रिपीटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा। एमएस एक्सेल 2016 के बारे में पूछा गया है, फाइल एक्सटेंशन नेम इज .docx, तो ख्याल रखिएगा .docx जो है एक्सटेंशन है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड किस टाइप का प्रोग्राम है, एमएस वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, मतलब उस पर क्या करते हैं हम, उस पर हम लिखने वाला काम करते हैं, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इस तरीके से क्या लगेगा क्वेश्चन, इस तरीके से ऑप्शन दे देता है कि एमएस वर्ड किस टाइप का प्रोग्राम है, ऑप्शन दे देगा वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, देखो डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर, मतलब जिसे हम क्या कर सके केवल देख सके, ठीक है, जिसमें हम काम कर सके, हार्डवेयर मतलब जिसे हम टच कर सके, तो सॉफ्टवेयर को हम टच कहाँ करते हैं, ठीक है, तो क्या लगेगा एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है जिसे मैंने पहले डिस्कस किया था .xlx, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए, यदि आप न्यू यूजर हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग.